सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कपिल के बारे में तो मैंने पहले भी कहा कि मुझे बहुत ही मैं अपसेट हूँ कि ही इज़ अनवेल और मैं चाहता हूँ कपिल जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मैं तो अपना शो लेकर आ ही रहा हूँ, लोग हमेशा मुझे पूछते हैं अभी आप फिर से उनके शो को रिप्लेस कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, वो कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि जब भी हम कोई नया कुछ लेकर आते हैं तो वो कपिल का खुद एग्जिट हो जाती है। जैसे वो कलर्स में भी हुई, फिर सोनी में भी, ड्रामा कंपनी से पहले कपिल क्विट कर गए थे अपना शो। अभी भी ऐसे ही कुछ हुआ कि तबीयत ठीक नहीं है, बट आई वॉन्ट कि वो ठीक हो जाए और वो अपना शो वापस लेकर आए। और अच्छा, एक हेल्दी कंपटीशन होता है, क्योंकि कपिल का एक अलग शो चल रहा होता है, उसमें सुनील, अली भाई, यहाँ पर मैं, भारती, सुदेश जी और बाकी सारे लोग, एक अलग फील होता है कंपटीशन का। तो मैं चाहता हूँ वो आए अपना शो लेकर और हम फिर से एक कंपटीशन लड़ें जिसका मज़ा आए, टीआरपी का भी एक मज़ा होता है। लास्टली जानना चाहूँगी, देयर इज ऑल्सो रिपोर्ट दैट कि आप और भारती एक शो लेके आ रहे हैं जो कपिल के शो को रिप्लेस कर रहा है, इज इट ट्रू? नहीं, मैं, हम लोग उसके शो को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बट लास्ट अभी मेरा ड्रामा कंपनी कर रहा था तो अभी जनवरी में ख़त्म हुआ है, तो वी आर प्लानिंग अ न्यू शो नाउ। तो अभी चक्कर ये हो गया कि हमारी और मेरी भारती की प्लानिंग तो 2 महीने से चल रही है। अब मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ पंगा हो जाएगा और स्लॉट खाली हो जाएगा, मुझे तो था कि वो नया शो चलेगा। तो चक्कर क्या है कि जब भी हम कोई शो लाते हैं वो खुद स्लॉट खाली कर देता है। तो चक्कर क्या है कि जब भी हम कोई शो लाते हैं वो खुद स्लॉट खाली कर देता है।